क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि इतने पैसों में दुकान का बंदोबस्त हो जाएगा। उनको एडवांस ज्यादा मिल रहा है। कितना? अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? शाम को जो दुकान देख के आए थे वो भी हाथ से चली गई, और 4 दिन में ये जगह भी खाली करनी है। मुझे तो लगता है अब घर पे ही बैठना पड़ेगा। पर तुम घर नहीं बैठोगी लड़कियों। आप आइए बैठिए ना। हाँ ये वही कमरा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं। वो दरवाजा भी नहीं जो दालान में मेरे कमरे में खुलता था। हाँ यही था वो दरवाजा। कॉलेज के दिनों में भी सलमान अक्सर रात को डर जाया करता था और रात को मेरे कमरे में आ जाता था। पर तुम लोगों को कतई घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सलमान का कमरा है, मेरे सलमान का। सलमान? लेकिन हाजी साहब ने तो हमें 1 महीना पहले ही नोटिस दे दिया था ये जगह खाली करने के लिए। पर अब मैं उन्हें नोटिस दे आई। नोटिस? तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पे काम करो, तुमसे कोई कमरा खाली नहीं करवाएगा, कम से कम मेरी जिंदगी में नहीं। ये मेरा तुम दोनों से वादा है। सच? हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन हमारी वजह से आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ये एहसान नहीं, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम में अपना आप दिखाई देता है। और इस कमरे में सलमान। आपने बताया नहीं कि तुमने फिर बात अधूरी छोड़ दी। सलमान कौन है? बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।